देखो फेक एक्सपीरियंस का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो कंपनी का होता है, प्रोजेक्ट का नहीं होता, और आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया और आप नई कंपनी में चले गए। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने अगर पहले प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि जब आप इस तरीके से आपकी ऐसी अप्रोच रहेगी ना, आपको फेक एक्सपीरियंस का कुछ रियलाइजेशन होगा ही नहीं। स्वागत है जी आपका एक और नई वीडियो में, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक एक्सपीरियंस के बारे में, हाउ टू हैंडल फेक एक्सपीरियंस, कैसे आप हैंडल कर सकते हो अगर आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, बाय चांस आपको कोई अपॉर्चुनिटी आता है और आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आपने काम नहीं किया ऑल्दो प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना आइडिया नहीं है, बट आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, फिर अगर आप उस कंपनी में जाते हो तो अब आपने काम तो नहीं किया है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, कैसे मैं हैंडल करूँगा अपने फेक एक्सपीरियंस को, अब मैंने वो काम नहीं किया है, मैंने प्रोजेक्ट्स भी डाल दिए सीवी के अंदर कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसमें टेक्नोलॉजी मेंशन कर दी, बट इंटरव्यू क्लियर हो गया, अब जाना है काम करना है, वो एक डर रहता है, तो कैसे उस डर को ओवरकम करें, आज का मेरा कोशिश रहेगा इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूं जिससे आपको हेल्प मिले और आप एक नई कंपनी में जाके इजीली एडजस्ट कर पाए। नो डाउट कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, करनी आपको खुद ही पड़ेगी, तो वो सारे पॉइंट्स हैं जैसे बात करते हैं एक एक करके। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग क्या सोचते हो, अपना कोई फेक एक्सपीरियंस का इंसिडेंट कमेंट में लिख सकते हो, बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक एम आप देख रहे हो, ये हमें अचीव करना है, राइट। सो चलिए बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फेक एक्सपीरियंस क्या होता है इन आईटी, इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। देखो फेक एक्सपीरियंस का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह काम कर रहा हूँ, किसी एक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ, मान लीजिए वो सपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, और आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जानना है और फ्रंट एंड वाली चीज़ें वहाँ पे हैं नहीं, तो आपने तैयारी करी इंटरव्यू के लिए, है ना, आपको एक डेढ़ साल वहाँ पे हो गया है अपनी पुरानी कंपनी के अंदर, और आपने तैयारी करी और आप अब इतने अच्छे हो गए हो कि आपको तैयारी करके काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है, तो इंटरव्यू निकालना और किसी कंपनी के अंदर काम करना दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है, सेम नहीं होती। तो आपने तैयारी करी, इंटरव्यू निकल गया, ठीक है, अब आपको उस जगह जाना है और काम करना है, बट आपके पास एक डर है कि भाई मैं कैसे उस फेक प्रोजेक्ट जो मैंने अपने सीवी में डाले हैं वो कैसे मैं हैंडल करूं, और जो काम मैंने किया ही नहीं है उसे अब कैसे हैंडल किया जाए। तो ये होता है फेक एक्सपीरियंस की, जो आपने काम किया नहीं है बट आपने दिखाया इस तरीके से है कि भाई ठीक है अब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, एचआर आपका इंटरव्यू करवा देगा, इंटरव्यू हो गया, आप बाय चांस सेलेक्ट हो गए, तो फेक एक्सपीरियंस के थ्रू आपने एक नई कंपनी में एंट्री मार ली। तो ये होता है फेक एक्सपीरियंस, मतलब जो मीनिंग होता है फेक एक्सपीरियंस का वो ये होता है कि आप फेक प्रोजेक्ट्स दिखा के इंटरव्यू क्लियर करके आप चले गए कंपनी के अंदर। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था वो एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में था, ठीक है, वो पी एल सीक्वल में बहुत अच्छा था, एसक्यूएल में अच्छा था, पी एल सीक्वल में अच्छा था, बट जो काम था वो सपोर्ट में लाइक एक्टिविटीज़ थी, इंसिडेंट्स आ रहे हैं, है ना, पी वन आ रही है, पी टू आ रही है, इस तरीके का सपोर्ट में वर्क रहता है, बट साइड बाय साइड वो सेल्स फोर्स कर रहा था, उसने सेल्स फोर्स का सर्टिफिकेशन किया बहुत अच्छे से और काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन किया और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट थे वो सेल्फ मेड प्रोजेक्ट थे, किसी कंपनी के लिए नहीं थे, बट उसने क्या किया, कंपनी वही, प्रोजेक्ट वही, बट उस प्रोजेक्ट में जो लाइक जिस जगह वो काम कर रहा था, जिस डोमेन में वो काम कर रहा था, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे उसने सारे सेल्स फोर्स में कन्वर्ट कर दिए, कि हमने सेल्स फोर्स यहाँ ये यहाँ पे यूज़ कर लिया, सेल्स फोर्स हमने यहाँ यूज़ कर लिया, हमने यहाँ यूज़ कर लिया, उसके बाद उसने उस रिज्यूमे को उठाया और नौकरी पे डाला, लिंक्डइन पे डाला और अपना ट्राई किया इंटरव्यू देने का, और वो सिलेक्ट हो गया एक कंपनी के अंदर एक अच्छे पैकेज के साथ, सेल्स फोर्स डेवलपर। तो यहाँ पर क्या है कि अब जब भी एक चीज़ यहाँ समझने वाली ये है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो ना, तो एचआर को कोई मतलब नहीं है, अगर आपका सीवी जैसा होगा, आप जिस तरीके से परफॉर्म करोगे आपका सिलेक्शन होगा। अब वो चीज़ें बात की हैं कि कैसे उस फेक एक्सपीरियंस को हैंडल किया जाए जब काम मिल रहा होगा, उसको मैंने भी डिवाइड किया है कुछ पॉइंट्स के अंदर बताता हूँ, बट ऐसी सिचुएशन हो जाती है एंड दिस इज़ नॉट बैड, ये ख़राब चीज़ नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, आपको लगता है कि येस मैं दे सकता हूँ, तो आप इस तरीके से एक पाथ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो कंपनी का होता है, प्रोजेक्ट का नहीं होता, कि भाई क्या इसने ये प्रोजेक्ट किया था इस कंपनी के अंदर, तो इस तरीके से ये वेरिफिकेशन नहीं होता, बट कंपनी का वेरिफिकेशन जरूर होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, कि जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो पुरानी कंपनी से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा होता है, बट प्रोजेक्ट्स का नहीं होता, ठीक है। तो जो भी आप अपने सीवी में डाल रहे हो सम टाइम वो कंसीडर कर लिया जाता है, और फिर आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हो वो बहुत डिपेंड करता है
समवेयर आपका कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार किस कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो, फॉर एग्जांपल आपने आप फ्रंट एंड में हो, जैसे मैंने सेल्स फोर्स का एग्जांपल दिया, आप बैक एंड डेवलपर हो और आप बैक एंड हो, आपको फ्रंट एंड में अपॉर्चुनिटी मिला, या फिर आप फ्रंट एंड में हो आपको बैक एंड में अपॉर्चुनिटी मिल गया और आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया और आप नई कंपनी में चले गए। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपने अगर पहले प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा POCs करनी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर हम डमी प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, फ्रंट एंड में भी हो सकता है, बैक एंड में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप माइक्रो सर्विसेज में गए हो तो आपको माइक्रो सर्विसेज का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, आपने अपने हाथ से कोड लिखा होना चाहिए, आपने अपने हाथ से माइक्रो सर्विसेज बनाई होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। तो जितने ज्यादा आप डमी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जितने ज्यादा उतने आप करो, उससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप कोड के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे, आपको आदत हो जाएगी। क्योंकि कोडिंग करना ठीक है, हम कोड करते हैं, बट जितना आप कोड देखोगे उतना आप कंफर्टेबल होगे, और जब आपको कोई नया काम मिल रहा होगा, कोई एग्जिस्टिंग कोड बेस मिलेगा, तो आप इजीली, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से समझ आएंगी चीज़ें, बट आप रिलेट कर पाओगे चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है। तो बहुत बार लोग 2-3 साल किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, सडनली वो फिर किसी और टेक्नोलॉजी में मूव कर जाते हैं। तो ये मैं आपको वही पैटर्न बता रहा हूँ उनका क्या सोचना रहता है, क्योंकि सारी चीज़ गाइस सोचने के बेस पे है। जितना ज़्यादा डमी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, चाहे फिर आप छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, क्रड एप्लीकेशन बना रहे हो, लॉगिन विद फेसबुक कर रहे हो, लाइक APIs यूज़ कर रहे हो, राइट, तो इवन यू कैन क्रिएट इंस्टाग्राम क्लोन, राइट, यू कैन क्रिएट Amazon क्लोन। तो इस तरीके से अगर आपने JavaScript में एज अ मर्न डेवलपर जा रहे हो, तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। कहीं ना कहीं क्या भैया वो प्रोजेक्ट्स हम CV मेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आपने शायद फेक एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है, बट आप ये रियल दिखा सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ किए हैं अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ कंपनीज इतना नहीं देख रही होती है आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो आपके नॉलेज को चेक कर रही होती हैं, फिर वहाँ पे फेक एक्सपीरियंस आप लगा लो नहीं लगा लो फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे आंसर कर रहे हो वो मैटर करता है। बट मैं वही कहूँगा कि जब तक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर आप एक नए प्रोजेक्ट में कैसे एडजस्ट होगे, राइट। तो उसके लिए क्या है कि जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स करोगे, आप डमी प्रोजेक्ट्स करोगे, छोटी छोटी एप्लीकेशन, जैसे रिडक्स है, तो रिडक्स के बारे में अगर आपको आइडिया है, आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना दी रिडक्स टूल किट का यूज़ करके, कॉन्टेक्स्ट API यूज करके, माइक्रो फ्रंट एंड अगर आपको आइडिया है। तो देखो IT के अंदर क्या है ना, जितना मैंने अभी देखा है, हर चीज़ कभी कभार आपके लिए नहीं होती है, सब कुछ आपको पहले से नहीं पता होता, तो कभी कभी तो आप कंपनी ज्वाइन करने के बाद ही सीख रहे होते हो, या फिर कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही होती है, चीज़ें हो जाती हैं, बस थोड़ा सा आपको अपना राइट माइंड यूज करना है राइट टाइम पे, ठीक है। सो ये है डमी प्रोजेक्ट्स के बारे में। बाकी आप जब कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर KT लो, जो भी आपका बड़ी है, जो भी आपको सीनियर असाइन किया गया है, उनसे बात करो, क्योंकि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे सबका आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, कहीं जगह पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, कहीं जगह नई यूज़ हो रही होती है, तो ये बहुत मैटर करता है। तो उससे आप जितना इंटरेक्शन करोगे, जितना बात करोगे, प्रोजेक्ट के बारे में समझोगे, कोई स्पेसिफिक डोमेन है उसके बारे में बातचीत करोगे, और कोड का चेकआउट खुद लेके शुरू कर दोगे, कैसे फ्लो क्या है, क्योंकि जब आप इस तरीके से आपकी ऐसी अप्रोच रहेगी ना, आपको फेक एक्सपीरियंस का कुछ रियलाइजेशन होगा ही नहीं, चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही होंगी। क्योंकि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, अगर आप कोई छोटी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो शायद पहले दिन से ही आपको काम मिल जाए, बट जब आप कोई MNC ज्वाइन कर रहे होते हो, इट कुड बी सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको 2-3 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर आपका इंडक्शन हो रहा होता है, इवन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी होती है। जैसे मैंने एडिडास ज्वाइन किया था, तो हमारे 2 हफ्ते की फ्रंट एंड के ऊपर ट्रेनिंग थी, वहाँ पे सबके मॉड्यूल्स बना रखे हैं, बैक एंड के अलग हैं, फुल स्टैक के अलग हैं, कि आपको ट्रेनिंग करके ही प्रोजेक्ट में जाना है, वरना आप जा ही नहीं सकते। तो इस तरीके से भी रहता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। आपको एक बडी असाइन किया जाता है जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको ट्रेनिंग करते करते कोई डाउट है तो उससे आप बात कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप, क्योंकि देखो यार, आपके लिए वो एनवायरमेंट अलग है, आपको उस एनवायरमेंट में एडजस्ट होना है, उस एनवायरमेंट के हिसाब से आपको अपना एनवायरमेंट क्रिएट नहीं करना है, वो होगा एक टाइम के बाद होगा, बट पहले आपको उस एनवायरमेंट में एडजस्ट होना है, लोगों को समझना है, प्रोजेक्ट को समझना है क्या डिमांड है, देन चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, मैं देख रहा था कि कुछ लोग 3 महीने में सेटल्ड हो गए, 2.5 महीने में सेटल हो गए, स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानियां हुई क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं किए थे, बट अब आप इंटरव्यू क्लियर करके आए हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ना। तो हमेशा कभी डरो मत कि फेक प्रोजेक्ट्स हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, कंपनी का होता है, प्रोजेक्ट्स का नहीं होता है। तो आप जैसे आंसर करोगे उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है कि
प्रॉपर केटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका बर्डी है उससे अच्छा है तो उससे अच्छे से आप इंटरेक्ट करो, चीज़ें समझो, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक पॉइंट और निकल के आता है कि मेक अ गुड बॉन्ड विद टीम मेट्स। अच्छा बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी टीम है उनसे अच्छे से बात करना, मजाक के टाइम मजाक करना, फ़न के टाइम फ़न, गेम के टाइम गेम, है ना। और जब एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है तो टीम के साथ आप हेल्प ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, राइट। तो नो डाउट उन्हें आपसे फंक्शनल ज़्यादा आइडिया होगा चीज़ों के बारे में, तो उनसे आप अच्छे से बात करो जहाँ आपको लगता है। देखो मैंने एक चीज़ देखी है, हर बंदा अपने अपने काम में बिज़ी रहता है, ठीक है। तो इवन समटाइम आपको सब कुछ खुद ही करना होता है, बट उसके लिए मैंने एक पॉइंट दिया है, ठीक है, आ रहा हूँ उस पर। बट ट्राई करो टीम से इंटरेक्ट करने का, उनसे बात करने का, जहाँ आपको लगता है कि टीम से आपको बात करनी चाहिए। तो आप जितना बात करोगे उतना ज़्यादा आप खुलोगे, राइट, उतना आपका माइंड ओपन होगा, उतना आप इजीली बात कर पाओगे। और कहीं स्टक हो तो उससे, क्योंकि देखो कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला, ठीक, कोई हिंट ही देगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको, ये ठीक है। फ्रेशर टाइम पर थोड़ा स्पून फीडिंग वाला रहता है कि हाँ भाई मेरा काम कोई कर दे, बट एक टाइम पर आके थोड़ा सा आपको खुद ही चीज़ें करनी होती हैं। तो अगर सम टाइम, मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी कभार कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है, बस वो इसलिए लेके आता है कि बस मेरी कोई प्रॉब्लम सुन ले, बस सुन ले, ठीक है। तो हमेशा नहीं है कि आपको हर चीज़ में यस ही करना होता है, समटाइम यू कैन से, या मतलब यू कैन जस्ट लिसन, आप किसी को सुन लो, उसका वो उसमें क्या वो सोल्यूशन ढूंढ लेता है बात करते करते, या फिर आप कुछ उसको हिंट दे दो, ठीक है। ये कॉर्पोरेट में बहुत कॉमन रहता है, एंड आप जब काम करोगे या कर रहे होगे आप मेरी बात से रिलेट कर रहे होगे, राइट। तो टीम के साथ अच्छा बॉन्ड रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे बात करो। और इवन यू कैन शेयर अपना कुछ, अगर आपको टेक्निकल ओपिनियन देना आप दो उनका लो, तो इससे सही काफ़ी रहेगा और एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा और आप जल्दी एडजस्ट कर पाओगे टीम के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोजेक्ट में चले जाते हो आपको काम वगैरह मिलना शुरू होता है, तो गूगलिंग भी एक आर्ट है, गूगल में सर्च करना एक आर्ट है। तो इतना जल्दी रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले रिक्वायरमेंट समझ लो, कोड बेस का चेकआउट ले लो, क्या फ्लो है, क्या वो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या अप्रोच है, कौन कौन सी यूटिलिटी उन्होंने बना रखी है, कैसे आप उसे रीयूज़ कर सकते हो अपने कोड में जो आप करने वाले हो। प्रॉपर R&D करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से उस प्रोजेक्ट को अप्रोच करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो एक टाइम पे डेडलाइन आ रही होती हैं, बट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आर्ट्स देने पड़ते हैं। अभी जैसे मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, इनिशियल टाइम पे मैंने उस पर थोड़ा टाइम दिया, चीज़ें समझी, और सैटरडे संडे थोड़ा दो दो घंटे बैठ गया, पूरा कोड बेस समझा, कैसे चल रहा है, क्या है, समझ आ जाता है अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है चीज़ों का। अगर आपने प्रोजेक्ट जैसे मैंने तो काम कर रखा है पहले फ्रंट एंड पे, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं समझ गया। बट ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं कर रखा वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप वही है कि अगर आपने डमी प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं तो आपको हेल्प करेंगे, वो बहुत हेल्प करेंगे, तो उससे आप कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपको चीज़ों का आइडिया होगा, और फिर आप रिसर्च करने के बाद अपना ओपिनियन दे सकते हो कि हाँ ये ऐसे है, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। और क्योंकि अब आपने कोई मेथड लिखा, उस मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेथड ऑलरेडी बना हुआ है, बस आपको कॉल करना है, उसमें इनपुट पास करनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो एग्जिस्टिंग कोड बेस को ही फॉलो करना होता है, आप कुछ अपना नया इन्वेंट नहीं कर सकते। जो आर्किटेक्चर पहले फॉलो हो रहा है, जो कोड डिज़ाइन पहले से चल रहा है, उसको ही हमें रीयूज़ करना होता है, अगर वो है तभी, नहीं है तो यू कैन क्रिएट, आप खुद का क्रिएट कर सकते हो। तो गूगलिंग, गूगल करना भी एक आर्ट है, और वो धीरे धीरे डेवलप होती है, सबको एकदम से इनिशियल टाइम पे नहीं आ रही होती, क्योंकि आपको सॉल्यूशंस वगैरह तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। वो आपको बेसिक, मैंने ये नहीं कहता कि सेम मिल जाएंगे, बट यस सिमिलर चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और उसको फिर आप रीयूज़ करके कस्टमाइज कर रहे होते हो अपना कुछ। नेक्स्ट है जी, आस्क क्वेश्चन एंड डाउट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब किसी से जब काम कर रहे हो, तो टीम है आपके साथ, कोई आपका मैनेजर है, जितना ज़्यादा हो सके आप बात करो। अगर आपको लेके नहीं बैठना है, अगर आपको तभी लेके बैठना है काम जब आपको पता है कि मेरे पे पेंडिंग है, मैं कर सकता हूँ, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अभी आप आधा सोल्यूशन किया है, लेके बैठा रहना सही नहीं है। आप जहाँ स्टक हो क्लियर हाईलाइट करो टीम के अंदर, मुझे यहाँ पे इनपुट चाहिए, यहाँ पे हेल्प चाहिए, और उसे वहीं पे रिजॉल्व करो। बहुत बार ऐसा होता है, ये परसेंटेज में ज़्यादा बोलूँगा, 75% 80% लेके हम बैठे रहेंगे काम को, और फिर कुछ जब एंड मोमेंट पे कोई आएगा हमसे काम का स्टेटस मांगने, फिर होगा नहीं, तो फिर वहाँ पे हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। तो क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ स्टक हो वहाँ पे क्लियर मेंशन करो, वहाँ से इनपुट लो और अपना काम करो। अपने पास काम तभी रखना है जब तुम्हें काम आता है, बट ठीक है तुमने 4 दिन लिए, 4 दिन के बाद तुम दे दोगे, बट वहाँ पे 4 दिन बाद ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ, या फिर तुम्हें आता ही नहीं था बट तुमने पूछा भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, फिर ये यहाँ होते हैं पंगे, ठीक है। ओके, लास्ट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, मुझे बहुत काम आती है, एंड अभी काम आ रही है, मैं
आगे भी मुझे ऐसी काम आती रहे, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. जो आप लर्न कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो. अब फॉर एग्जांपल आपका फेक एक्सपीरियंस फ्रंट एंड में है या बैक एंड में है, तो उसके अराउंड चीज़ें खुद से पढ़ते रहो. कोई आपके पास आएगा नहीं कि तू ये पढ़ ले, तू ये पढ़ ले. उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ते रहना है. जितना ज़्यादा घुसोगे उसमें, उतना ज़्यादा तुम और एक बेटर वर्जन बनते जाओगे, राइट? तो ये चीज़ तुम्हें बहुत हेल्प करेगी. दूसरा, पेशेंस. कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है, चाहे बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, तुमने उसमें काम नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड, आपने रिडक्स यूज़ नहीं किया है, रिडक्स टूल किट यूज़ नहीं किया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ नहीं किया है, तो आप साथ साथ लर्न करके चीज़ें समझ सकते हो कोड बेस के अंदर. बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको. इनिशियल टाइम पर तो देना पड़ेगा, बाद में चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं. फिर बाद में आपको एप्रिसिएशन भी आ रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है? तो ये कुछ जी थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो को दिए कि आप कैसे एक फेक एक्सपीरियंस को हैंडल कर सकते हो एक नई कंपनी के अंदर. और फेक प्रोजेक्ट्स भी आप बोल सकते हो, अगर आपने फेक प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं तो उसे आप कैसे डिफेंड कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग देगा. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना. अपना कोई फेक एक्सपीरियंस हो तो मेंशन करना, मैं जरूर पढ़ूंगा. बाकी लाइक ये मैंने रखा है इस पे 7000 का. अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोज़ लेके आता रहूं. बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं, तो क्लियरली मेंशन करना #TSFamilyTopic. मैं उस टॉपिक को पढ़ूंगा और उस पे इंटरेस्टिंग वीडियो इस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को ऐड करते हुए एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो कोई नया बना रहा हूँ. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस. मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में. टिल देन ध्यान रखिए.